रायबरेली में पुलिस की सक्रियता से महिलाओं का एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो राह चलते महिलाओं की चैन स्नेचिंग करता था। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज चौराहे का है, जहां ऑटो से बाजार जा रही एक महिला के साथ एक एक करके चार महिलाएं ऑटो सवार हो गई और महिला को घेर कर बैठ गई। ऑटो जैसे ही आगे बढ़ा, ऑटो में बैठी एक महिला ने उस महिला के गले से सोने की चैन छीन ली। दिन दहाड़े हुई इस घटना से जहां हड़कंप मच गया, वहीं पीड़ित महिला ने डिग्री कॉलेज स्थित पुलिस को सूचना दी। मौके पर वहां मौजूद महिला सिपाही ने दौड़ाकर ऑटो सवार चैन खींचने वाली महिलाओं को पकड़ लिया, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। आनन-फानन में शहर कोतवाली पुलिस की टीम ने सभी महिलाओं को कोतवाली ले आई, जहां महिलाओं के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। S7 के लिए वरुण वाजपेयी के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ अभी? ये ऑटो में जब बैठे हम लोग, तो ऑटो से थोड़ी दूर आगे आए हैं, बीमार से आगे आए हैं, तो ऑटो दो लोग पहले आए, तो दो लोग के लिए तो ऑटो में जगह हो गया, और इसके बाद ये गट्ठा सारी औरतें बैठने लगी, तो फिर पीछे से औरत आई ना, तो यहाँ जैकेट बंद था और अंदर से ऐसे हाथ डालने लगी, तो हमसे ठंडा ठंडा क्यों लग रहा था, पीछे देखे चैन मेरा ऐसे खींच रही थी। जब हमने बोला कि चैन क्यों खींच रही है, तो कह रही है हम नहीं चैन खींच रहे, हमका चैन तो खींच रही है, और चैन मेरा ऊपर आ गया, तो इसके बाद चैन का नाम सुनी तो करके भागने लगी है। बस इतना हुआ फिर हम लोग इधर।